गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईटीआई के वैसे छात्र जिसका नाम गलत है और उनका डेट ऑफ बर्थ भी गलत है, उनके माता पिता का भी नाम गलत है, साथ ही साथ उनके मार्कशीट में भी गड़बड़ी है। कहने का मतलब ये है कि आपने सीबीटी एग्ज़ाम दिया था और आपका रिजल्ट अभी तक भी फेल बता रहा है, साथ ही साथ अपने मार्क्स से आप असंतुष्ट हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए, उन सभी ट्रेनियों के लिए एक जो है ना नया अपडेट आया है। तो जैसा कि देखिए, आपको इसके लिए अपना नाम सुधारने के लिए, फिर या तो फिर कि आपका फ़ोटो करेक्शन करने के लिए, इसके लिए आपको कॉलेज से लेकर के विभाग तक आपको चक्कर लगाना पड़ता था, बट अब खुद आप ही सुधार सकते हैं। देखिए, उसी से संबंधित एक न्यूज आया है और ये न्यूज है 11 जून 2021 का। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आईटीआई के छात्र खुद सही करेंगे मार्कशीट की गड़बड़ी। अगर आपके मार्कशीट में गड़बड़ी है, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है और आप सीबीटी एग्ज़ाम दिए थे, अपियर हुए थे, बट आपका पेंडिंग बता रहा है या आपका वहाँ 00 मार्क्स शो कर रहा है, तो उससे संबंधित एक खबर आया है, यानी एक सूचना निकला, आप खुद ही अपना सुधार कर सकते। देखिए उसमें क्या दिया हुआ है कि देखिए, ऐसा लिखा है कि आप में क्या क्या गड़बड़ी, खुद सुधार कर सकते हैं। आईटीआई के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है, अंक पत्र में माता पिता, अभ्यर्थी या जन्मतिथि गलत होने पर इसे सही करने के लिए कॉलेज से विभाग तक दौड़ नहीं लगानी होगी। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, अब क्या लिखा है कि अब छात्र राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के पोर्टल पर ऑनलाइन अंक पत्र में हुई गलती खुद सही करेंगे। यानी आप एनसीबीटी के जाकर के पोर्टल पे, एमआईएस पोर्टल पे जाकर के आप खुद ही करेक्शन कर सकते हैं। तो इसका जो है ना, ये सही आपको कितना दिन में करके देगा, देखिए देखिए उसके लिए आपको देखिए क्या लिखा है, सही सूचना अपडेट करने के बाद आपको अगले 30 से 45 दिन में विभाग की ओर से संशोधित अंक पत्र जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा क्या लिखा है, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के संयुक्त निर्देशक एससी तिवारी ने बताया कि अभ्यर्थी अब राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के पोर्टल पर ऑनलाइन अपने अंक पत्र में हुई गलती को खुद सही कर सकते हैं। अंक पत्र की गलती सही करने के लिए अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर समेत अन्य सूचनाएं पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर दर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए उसके बाद आपको क्या जाएगा, अभ्यर्थी द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद ही अगला पेज खुलेगा, इसके बाद अभ्यर्थी अंक पत्र में हुई गलती में सुधार कर सकते हैं। नई सूचना डालने के बाद संतुतित पर पोर्टल लॉक हो जाएगा। यानी आइए इसके प्रोसेस को हम दिखाते हैं। यानी आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, फिर आपका 30 से 45 दिन में आपका सुधर कर चले आएगा। ठीक है, यानी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे दिए थे और आपको अब्सेंट दिखा रहा है, तो भी आप इसको, वैसे विद्यार्थी भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही साथ आपका नाम में गड़बड़ी है, माता पिता के नाम में गड़बड़ी है, फ़ोटो में गड़बड़ी है, तो सारा सुधार आप खुद कर सकते हैं। आपको कॉलेज से लेकर के एनसीबीटी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, खुद ही अपने मोबाइल से भर के कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके प्रोसेस को आगे हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। सर्वप्रथम आपको क्या करेंगे, आप सर्वप्रथम देखिए यही, आप एनसीबीटी के साइट पे चले जाइएगा, ओपन एनसीबीटी पब्लिक पोर्टल साइट। पहले आप एनसीबीटी के साइट को खोल लीजिएगा, उसके बाद देखिए आपको क्या, जो भी आपको गड़बड़ी, स्टेप टू देखिए, अगर आपका, आप यहाँ पे देखिए, अगर ट्रेनीज विल वेरीफाई इट्स मार्कशीट फ्रॉम मार्कशीट वेरिफिकेशन पेज, अगर आपको मार्कशीट में वेरीफिकेशन करना है, अगर मार्कशीट में आपको गड़बड़ी है, तो आप पहले रोल नंबर भर लीजिएगा यहाँ एग्ज़ाम, जैसे आप सर्च करते थे रिजल्ट, इसको देखने के बाद देखिए आप भर दीजिएगा सेशन उसन,
अब भेज दीजिए, आप यहाँ पे डिटेल भरेंगे, रोल नंबर, मार्कशीट वेरिफिकेशन, जैसा कि देख लीजिए मार्कशीट वेरिफिकेशन रोल नंबर भरिएगा या रजिस्ट्रेशन नंबर भरिएगा, एग्ज़ाम एनुअल है क्या है, फिर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद देखिए, आप देखते जाइएगा, देखिए कहता है ना कि आप देखिए, आफ्टर फिलिंग द डिटेल क्लिक ऑन सर्च बटन योर मार्कशीट, मार्कशीट मार्कशीट देखिए विल बी अपीयर, यू कैन आइदर एग्री विथ योर मार्कशीट ऑन योर कैन राइज एग्रीवांस फ्रॉम द राइज टू गिवेंस बटन। देखिए यदि आप अपने मार्क्स से एग्री हैं तो आप यहाँ पे दो बटन दिया हुआ, एग्री कर लीजिएगा, और राइज टू ग्रीवांस, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसमें ग्रीवांस भरिएगा। आप मार्क्स अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं तो आप राइज टू ग्रीवांस भरिएगा। इसके बाद आगे जाइएगा, जाने के बाद आपका रिजल्ट देखिए, रिजल्ट आप देखिए लिखता है ना कि इफ़ ट्रेनीज सेटिस्फाई विद दिस रिजल्ट ही शुड एक्सेप्ट हिज रिजल्ट एंड क्लिक ऑन एग्री। यदि आप मान लीजिए अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई तो वहाँ एग्री का बटन दबाइएगा, लेकिन अभी ये सब काम आपको बिना कॉलेज के अनुमति से ही करना है, आप कॉलेज से सलाह ले लीजिएगा उसके बाद ही कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगा। अब देखिए इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा, राइट टू ग्रीवांस इस तरह आप देख लेंगे, भर लेंगे, ये डमी दिखाया है, फिर इस तरह आपको खुलेगा, फिर आपको भरना है ग्रीवांस में, ये लॉगिन करना है, क्लिक टू टैप कंप्लेन ग्रीवांस लॉगिन, लॉगिन ग्रीवांस कर लीजिएगा, फिर ग्रीवांस पेज खुलेगा, इस तरह आप ग्रीवांस पेज खुलेगा। आप मान लीजिए आपके प्रोफाइल में गड़बड़ी है, सपोज कीजिए आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, इस तरह में अगर आपको गड़बड़ी है, ठीक है, फ़ोटो सब में गड़बड़ी है, तो आप क्या करेंगे, ये ग्रीवांस टाइप है, ये ओटीपी जाएगा अभी ग्रीवांस में, देखिए ये ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल पे, ये तो ग्रीवांस भरने के लिए है। अब सपोज कीजिए अब ट्रेनीज के प्रोफाइल में गड़बड़ी है, तो अगर आपका मान लीजिए फ़ोटो में गड़बड़ी है, आप मान लीजिए आपका नाम में गड़बड़ी है, मदर्स के नाम में गड़बड़ी है, आपका फादर्स नेम में गड़बड़ी है, अब फिर आपका डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है, इतना चीज़ आप खुद ही सुधार कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या होगा, आपको अपना ओरिजिनल मार्कशीट इसमें अपलोड करना पड़ेगा, खुद से अपना अपलोड कीजिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, और आपको क्या करना है कि अगर फ़ोटो में गड़बड़ी है तो 10 रुपया के स्टाम्प पेपर पे, स्टाम्प पे, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे हाफी डिपीट करवा करके आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इतना काम करेंगे आपका फ़ोटो प्रोफाइल, देखिए यहाँ पे जैसा लिखा हुआ, इफ़ योर फोटोग्राफ चेक बॉक्स इज सेलेक्टेड देन टू एडिशनल फाइल अपलोड विल बी मैंडेटरी, जैसे कि लेटेस्ट ट्रेनीज फ़ोटो, फ़ोटो जैसे आपका फ़ोटो में गड़बड़ी है तो पहले आप इसको डालिएगा फ़ोटो, फिर यहाँ हाफी डिपीट फोटोग्राफिंग चेंज का, उसका भी डालना पड़ेगा हाफी डिपीट 10 रुपया के स्टाम्प पे। तो इस प्रकार आप जो है खुद व खुद अपना, देखिए ये एक डमी दिखाया गया है, आप खुद भी अपने आप से कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ डेट ऑफ बर्थ, ट्रेनीज नेम, फोटोग्राफ, और वैसे ट्रेनीज जो भी अपने एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दिए थे और फेल कर गए हैं, उनका वहाँ रिजल्ट 0 दिखा रहा है, वो भी इसमें कंप्लेन कर सकते हैं, आप अपने मार्क्स से असंतुष्ट हैं, या जो किसी ट्रेनीज को 10 नंबर 20 नंबर आया है वो भी इसमें अपना कंप्लेन कर सकते हैं। अपना ओपन पोर्टल है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने ग्रुप में दोस्तों में शेयर कीजिए कि जो एग्ज़ाम दे दिए हैं फिर भी वो फेल दिखा रहा है CBT में, तो वो भी अपना इसमें ये वाला भर करके आप अपना खुद से ऑनलाइन भर करके आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और इसको भरने से पहले आप लोग क्या करेंगे, कॉलेज से ज़रूर सलाह एक बार ले लीजिएगा, क्योंकि फिर कोई दिक्कत होगा तो फिर उस समय आपको कोई साथ नहीं देगा, ठीक है। इसीलिए आप ऐसा काम करने से पहले एक बार कॉलेज से ज़रूर आप पूछ लेंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आप में देखिए, अगर फिर आपका मार्कशीट इस रूप में आ जाएगा मेन मार्क्स, तो इसलिए आप लोग घबराए नहीं, जिस ट्रेनीज को अगर कम मार्क्स आया है और वो अपने मार्क्स से असंतुष्ट हैं तो यहाँ उनके लिए भी सुधार का ऑप्शन दिया है। साथ ही साथ वैसे ट्रेनीज
जो एग्ज़ाम दे चुके हैं फिर भी फेल दिखा रहा है, तो वो उस वीडियो को ज़रूर देखें, और उसके लिए भी ये सुधार का ऑप्शन दिया है। साथ ही साथ जो अपने मार्क्स से वो संतुष्ट है वो भी इसको भर करके जो अपने ऑनलाइन पोर्टल पे एनसीबीटी के पोर्टल पे भर करके आप अपना कंप्लेन कर सकते हैं। एवं अगर आपके नाम, माता पिता का नाम और फोटोग्राफ में भी अगर आपका कहीं गलती है तो आप खुद भी अपना करेक्शन कर सकते हैं। अब कॉलेज और विभाग का आपको दौड़ नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसको भरने से पहले आप लोग कॉलेज से एक बार सलाह ले लीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में फॉरवर्ड कराइए, ताकि जो ट्रेनीज फेल कर गए हैं या जो ट्रेनीज एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनका रिजल्ट फेल दिखा रहा है, तो वो भी इस चीज़ को जान सके कि नहीं, इस जो मैनुअली जो निकला हुआ है इसको भर करके, यानी वो ऑनलाइन भर के, ये तो मेरा डेमो है, इस रूप में वो आपका इंटरफेस खुलेगा और आप अपना भर करके कंप्लेन कर सकते हैं इस रूप में, जैसा कि हम आपको दिखाएं। ये इस रूप में आपका प्रोफाइल खुलेगा, डिटेल आपका इस तरह, फिर करेक्शन होकर के आपका इस रूप में आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं ट्यूराइज, ये इस तरह पर का आपका डिटेल खुलेगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।